हेलो एंड वेलकम टू गेम ऑन। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान का तूफान, भारत को पाकिस्तान से रहना होगा सावधान। जी हाँ, अब जब भारत टीम अगले मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट उतरेगी तो भारत टीम बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहेगी पाकिस्तान को, जो कि शायद कभी लेती भी नहीं है, ना लेना भी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से टीम ने एशिया कप में हराया था पाकिस्तान की टीम को, तो उसके बाद टीम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आ रही थी, और जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया को हराकर भी नजर आ रही है, तो हो सकता था थोड़ी सी ढिलाई बरत सकती थी टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो भी तब जब पाकिस्तान अपने दोनों वार्म अप मैच हार कर आ रहा। लेकिन जिस प्रकार से चीजें यहां पर थी श्रीलंका के अगेंस्ट, यहां पर भी शायद पाकिस्तान हार रहा था। जब दो विकेट जल्दी खो दिए, आप 344 रन का 45 रन का पीछा कर रहे हो, और उसके बाद लेकिन जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की वो पार्टनरशिप आती है और पूरा का पूरा मैच पलट कर रख देते हैं ये दोनों ही खिलाड़ी। पहले बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की, जिन्होंने जबरदस्त पारी खेली और मैच फिनिश कर कराए। 121 गेंदे, 131 रन, 8 चौके, 3 छक्के, और उसके बाद क्या कुछ हुआ हम सबने देखा। लेकिन इस पारी से पहले भी जब आप देखेंगे तो अब्दुल्ला शफीक की वो पारी नजर आएगी, जहां पर मोहम्मद रिजवान तो एंकर रोल प्ले कर रहे थे। जो बड़ी चीज नजर आ रही थी बैटिंग में, जो एक तरफ से काउंटर अटैक चल रहा था, वो कर रहे थे अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक को अगर हम देखेंगे, 113 रन, 103 गेंदे, 10 चौके, 3 छक्के, यानी शुरुआत का जो काउंटर अटैक था वो उन्होंने ही शुरू किया था। मोहम्मद रिजवान ने तो मारना बाद में स्टार्ट किया है, लेकिन उसके बाद जब इन दोनों की पार्टनरशिप होती है, आगे बढ़ती है, और फिर धीरे धीरे करके श्रीलंका इस गेम से बाहर होता जाता है। यहाँ पर श्रीलंकाई गेंदबाजों की, फील्डर्स की भी गलती है, कैचेस थोड़े जो पाकिस्तान ने भी किए थे, लेकिन यहाँ पर श्रीलंका ने उनसे सबक नहीं लिया और लगातार कैचेस थोड़े रन लुटाए और टीम को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस प्रकार से इन दोनों ने बल्लेबाजी की है, टीम इंडिया को इनसे बच कर रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये दोनों फिर वही काम कर देते हैं टीम इंडिया के अगेंस्ट भी, तो टीम इंडिया के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं 14 तारीख को। अगला मैच तो टीम इंडिया खेल रही है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, अब वहां पर कैसा प्रदर्शन करती है वो देखना दिलचस्प होगा। हालांकि वहां पर तो जीत जाएगी और आपकी वो टेस्टिंग नहीं होगी पाकिस्तान के मैच से पहले जो आपको चाहिए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को आप हरा कर आ रहे हैं, लेकिन ये बीच में थोड़ा सा आसान गेम है आपके लिए अफगानिस्तान वाला, तो इसके बाद जब आप एकदम से पाकिस्तान के अगेंस्ट जाएंगे तो वहां पर चीजें देखनी होंगी टीम इंडिया किस प्रकार से करती है, क्योंकि वहां पर आपके लिए इम्पोर्टेंट गेम होगा, वो मैच आपको जीतना होगा, और वो मैच जीतते हैं तो आप फिर लगभग लगभग मान के चलिए सेमीफाइनल के लिए भी शुरू कर जाएंगे। सिर्फ दो बड़े मैच जीतने होंगे इसके बाद, जहां पर एक गेम आपको न्यूजीलैंड का लगा लीजिए, दूसरा इंग्लैंड का, साउथ अफ्रीका भी है हालांकि, लेकिन फिर आपके पास नेदरलैंड भी है, श्रीलंका को शायद हरा ही देंगे आप जिस प्रकार से खराब क्रिकेट खेला उन्होंने अभी तक इस टूर्नामेंट में, तो आप थ्रू कर जाएंगे सेमीफाइनल के लिए। तो बड़ी बात यही है, पाकिस्तान वाला गेम टीम इंडिया को जीतना होगा और इन दो खिलाड़ियों से बचकर रहना होगा।